बिना तकिया के सोने से कमर दर्द में आराम मिलता है और इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए हफ्ते में 2 बार तेल की मालिश करें। जड़ें मजबूत रहेंगी तो बालों का झड़ना काफ़ी हद तक रुक जाएगा। खांसी होने पर कपूर को सरसों या तिल के तेल में मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर इस तेल से पीठ और छाती की हल्की हल्की मालिश करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नाभि में सरसों तेल की 2 बूंद नियमित रूप से सोने से पहले डालें। ऐसा करने से आपको जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिल जाएगा। जहर खा लेने पर हींग को पानी में अच्छे तरीके से घोलकर उस व्यक्ति को पिलाइए, जिससे उस व्यक्ति को उल्टी हो जाएगा, जिससे जहर का असर खत्म हो जाता है। खून को साफ या गाढ़ा होने से बचाने के लिए शरीर से पसीना बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप नियमित रूप से योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करें। सर्दी जुकाम या कफ की समस्या हो जाने पर सोने से पहले पैर के तलवे में और छाती पे आप विक्स लगाएं और रात भर ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से छाती का जमा हुआ कफ अस्थायी रूप से साफ हो जाता है। यदि शरीर में कहीं पर कांटा चुभ जाए और वो निकल नहीं रहा है तो वैसी जगह पे आप हींग का घोल लगा दें। ऐसा करने से कांटा अपने आप ऊपर आ जाएगा। हर रोज़ सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। ऐसा करने से लीवर की कमजोरी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी और कुकिंग संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगले पोस्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।